वो आने वाली है या आने वाला है, ये जल्द ही पता चल जाने वाला है। कोई छोटे छोटे हाथों से हमारा संसार सजाने वाला है, बचपन जीने का एक मौका फिर से लाने वाला है, उंगली पकड़कर किसी नए रास्ते ले जाने वाला है। बेटा तेरी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में टिकटॉक से आने वाली एक धमाकेदार खबर आपके साथ शेयर करें कि एक और टिकटॉकर जोड़ी ने अपने घर नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी सुना दी है। हाँ जी, डॉक्टर मदीहा और एमजे हसन के यहाँ बहुत ही जल्द नन्हे मेहमान की आमद होने वाली है, जिसकी खुशखबरी डॉक्टर मदीहा ने एमजे हसन को सरप्राइज देकर सुनाई। टिकटॉक को पाकिस्तान में जैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो बहुत सारे लोगों ने शोहरत हासिल की, जिन्हें आज सेलिब्रिटी माना जाता है। एक साथ काम करते हुए और कंटेंट बनाते हुए बहुत सारी जोड़ियां बनी। इन्हीं जोड़ियों ने बाद में शादी करने का फैसला किया, जैसे कि कवल आफ्ताब और जुल्कर नैन। इसी तरह से साल 2021 में एमजे हसन और डॉक्टर मदीहा ने शादी की थी और साल 2022 के अख्ताम यानी कि 25 दिसंबर को अपने आने वाले नन्हे मेहमान की खुशखबरी सबको सुनाई। और शादी के बाद भी ये जोड़ियाँ टिकटॉक पर एक साथ कॉन्टेंट बनाती हुई नजर आती हैं, जिसे बेहद पसंद किया जाता है। इसी तरह से डॉक्टर मदीहा और एमजे हसन ने टिकटॉक से शोहरत हासिल की और आज मशहूर टिकटॉकर माने जाते हैं। आज से कुछ ही हफ्ते पहले एक और मशहूर टिकटॉकर सहर हयात शादी के बंधन में बंधी। इनके शोहर वैसे तो सिंगर हैं, लेकिन सहर हयात उनके साथ काफ़ी काम कर चुकी हैं, जिनकी शादी की तमाम तस्वीरें और वीडियोस हमने चैनल पर शेयर की हैं, आप विजिट करके देख भी सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आ रही होगी। पाकिस्तान की मशहूर तरीन जोड़ी कवल आफ्ताब और जुल्कनैन के हाल ही में एक नन्ही परी की आमद हुई है, जिसकी तस्वीर और वीडियोस भी आपको चैनल पर दिखाई, आप विजिट करके जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को जरूर